हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग थियरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स में आज बात करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी, जिसको पीपीटी या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थियरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एजुकेशन में पेपर टू के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, सिलेबस में मेंशन है आपके, उसके अलावा भी जहां कहीं भी आपके थ्योरेटिकल सिलेबस में मेंशन है वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी, तो देखा जाए तो इसका नाम क्यों पड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी, क्योंकि ये थियरी जो सोशल मूवमेंट की थियरी है ये बोलती है कि जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। कि सोशल मूवमेंट, जितने भी सोशल मूवमेंट होंगे उनके पीछे जो एक हिडन एजेंडा या एक पीछे जो वो होता ना बैक होगी, वो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एक ओरिजिन रीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ सोशल मूवमेंट्स आर ट्रेस्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। जैसे कई बार होता है ना कि मान लो एजुकेशन के प्रति कोई ओपोजिशन पार्टी बात कर रही है तो उसके लिए फिर जनता भी खड़ी हो जाए कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की बात होती है बहुत बार, ऐसा इस थियरी का कहना है। मोर प्रिसाइजली अगर हम देखें तो ये जो थियरी है ये सोशल मूवमेंट को किस फॉर्म में देखती है, कि जो स्टेट या जो पावर है ना उसको क्वेश्चन करने की फॉर्म में, कि भाई आपका ये काम था कि एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट ने नहीं किया, जिस वजह से फिर जो है मतलब हम स्टेट को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, उसके लिए हम एक सोशल मूवमेंट जो है वो खड़ा करें, वो इस थियरी का कहने का मतलब है। अगर अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो पोजीशन जो है वो गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके अगेंस्ट है, और एक पोजीशन जो है वो इस तरीके की है कि गवर्नमेंट आपकी टॉलरेटिंग है, वो आपके जो आप खुद के अगेंस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यूज है उनको होल्ड कर सकती है। ठीक है, या गवर्नमेंट वीक है, तो दो तीन चीजें होती हैं। तो इस दो चीजों में एक तो ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है और वो प्रोन है किसके, रिप्रेसिव बिहेवियर के, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपका मूवमेंट फेल होगा ही होगा और गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। एक गवर्नमेंट वीक है जो कि जानना मतलब उसको भी वो होता है ना, कई बार गवर्नमेंट टूटने का भी ये होता है कि भाई हाँ हमारी पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी टाइप्स। ठीक है, या फिर एक और लेवल पे अगर गवर्नमेंट वीक है या ज्यादा टॉलरेटिंग है, वो सुनना चाहती है, सहिष्णु है किसके लिए, जो उनके अगेंस्ट विचार उठ रहे हैं या उनके अगेंस्ट जो सोशल मूवमेंट हो रहा है, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है उस सोशल मूवमेंट के फ्लोरिश होने की, और एकदम से वो सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाए, ऐसे होने के चांसेस तब ज्यादा है जब गवर्नमेंट या तो वीक है या फिर वो ज्यादा टॉलरेंट है, वो सुनना चाहती है आपके पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, अगर फर्दर बात करें तो इसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थियरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी में ओवरऑल घूम फिर के बातें वही हैं कि ये सारी की सारी जो भी कंडीशंस हैं, माइंडसेट है, या जो आप एक्शन ले रहे हैं किसी भी सोशल मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थियरी है। ठीक है, सो इस थियरी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज फॉर चेंज मस्ट फर्स्ट बी प्रेजेंट। तो इसका कहना है कि पहले पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, पॉलिटिकल थियरी जो है मतलब एक सोशल मूवमेंट जो है वो उठ पाएगा, ऐसा इस थियरी का कहना है। फॉलोइंग दैट मूवमेंट फिर अल्टीमेटली क्या होगा, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, टू मेक द चेंज। अब जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, प्रोसेसेस हैं, उनको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर फर्दर बात करें तो पीपीटी पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी, अगर थोड़ा सा अलग तरीके से या अलग लैंग्वेज में बात करें, लैंग्वेज तो सेम ही है, मतलब एक अलग शब्दावली में बात करें, तो इट इज कंसिडर्ड द कोर थियरी ऑफ सोशल मूवमेंट्स। कि कैसे आप काम करेंगे, मतलब वो जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज के प्रति आप क्या काम करेंगे और कैसे वो चेंज आएगा। सो ये 1970s और 80s में डेवलप हुई है, सोशियोलॉजिस्ट ने थियरीज डेवलप की हैं सोशल मूवमेंट से रिलेटेड, बिकॉज 1960s में बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हुए, सिविल राइट्स से रिलेटेड, एंटी वॉर से रिलेटेड, स्टूडेंट मूवमेंट्स हुए। सो वो जो मूवमेंट्स हुए उनको देखते हुए कि क्या रीजन है इनके पीछे, क्यों हो रहे हैं ये मूवमेंट्स, या किसी मूवमेंट के सक्सेसफुल होने का और फेलियर होने का क्या रीजन है, वो सब जानने के लिए बहुत सारी थियरीज आई, जिसमें से दो थियरीज तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक रिलेटिव डेप्रिवेशन की थियरी और दूसरी हमने की थी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थियरी, और अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी। तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं मैकएडम, उन वो जो कि अभी एक प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनको क्रेडिट दिया जाता है कि भाई इन्होंने जो है ये पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी जो है वो डेवलप की। ओके, सो कहीं ना कहीं नाम दिखे तो मैकएडम का नाम आप पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी से जोड़ के देख सकते हैं। उन्होंने एक ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट
मूवमेंट जो यूएस में हुआ था उसके ऊपर स्टडी किया था। उन्होंने एक बुक लिखी पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक इंसर्जेंसी जो कि 1982 में पब्लिश हुई। और बात किसकी बात थी, वो 1930 से लेके 70 तक की बात करके उन्होंने 82 में पब्लिश कर दिया उसको, ठीक है। सो उनका इनको इसलिए इनको बोला जाता है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी के जन्मदाता है या डेवलप इन्होंने किया, क्रेडिट इनको दिया जाता है, इस बारे में नाम याद रखिएगा। तो अब इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी उसके बारे में ऑब्वियसली उसके बाद फिर और रिविजन्स हुए, एडिटिंग की, और लोगों ने कुछ एक चीजें एडिट की डाली उसके अंदर। तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं नील कैरन, उन्होंने ये जो थियरी की बात की उसके बारे में उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी जो है ना वो 5 की कॉम्पोनेंट्स के ऊपर जो है निर्भर करता है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी वो मतलब कोई भी मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल होगा या फेलियर रहेगा, ठीक है। अब वो 5 की कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं, ये हैं कि एक तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी हो, मोबिलाइजिंग स्ट्रक्चर्स हो, फ्रेमिंग प्रोसेस, प्रोटेस्ट साइकिल और कॉन्टेंशियस रेपिटोरियर्स। तो ये 5 चीजें होनी जरूरी हैं अगर हम किसी सोशल मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो। अब इनका मतलब क्या है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी हम सबको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, इवन ये बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, सक्सेस इम्पॉसिबल रहेगी किसी सोशल मूवमेंट की अगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट नहीं है तो। ओके, जैसे कई बार होता है ना कि कोई मूवमेंट, जैसे अभी जो है एक मूवमेंट चल रहा है जिसमें ये जो महिलाएं जो हैं हमारी कबड्डी या खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी हैं वो उनके प्रति भी उनके लिए उनके साथ शोषण हुआ है और वो किसी सांसद ने ही किया है जो मिनिस्टर है वहां पे। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि उसको अभी पॉलिटिकल हवा इतनी मिल नहीं रही है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसलिए कवरेज नहीं मिल रही है। जो हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन में बात की थी, जैसे टीवी अगर उसको रिसोर्स टीवी स्टेशन अगर उसको कवर नहीं करेगा तो वो लोगों तक ज्यादा बात पहुंच नहीं रही है। ओके, और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कोई और ऑपोजिशन का लीडर या कोई लीडर उनके साथ आके खड़ा नहीं है। जैसे अभी जो राज्यपाल रहे थे कश्मीर के सत्यपाल, वो जो है आके खड़े हुए हैं साथ में, सो वो एक थोड़ी सी कवरेज मिल जाए उसकी वजह से। तो पॉइंट क्या है, ये इंपॉसिबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कि सोशल मूवमेंट की सक्सेसफुल जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता सोशल मूवमेंट अगर कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो, या किसी मतलब वो इंटरवीन नहीं किया है पॉलिटिक्स से किसी ने तो, ठीक है। मोबिलाइजिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब रहेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम मोबिलाइजिंग स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं यहाँ पे, कि मान लो आप स्कूल में हैं और स्कूल के लेवल पे कोई स्टूडेंट यूनियन है, वो स्टूडेंट्स के हक में बात करेगी, कुछ आवाज उठाएगी, या कोई एनजीओज हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए या एनिमल राइट्स के लिए किसी न किसी चीज के लिए खड़े रहते हैं। तो वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो मोबिलाइजिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो शुरू करते हैं उन चीजों को। ओके, सो मोबिलाइजिंग स्ट्रक्चर का भी होना जरूरी है। फ्रेमिंग प्रोसेसेस की आप जो पूरा का पूरा मूवमेंट करेंगे उसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा, कैसे करेंगे, तो जो फ्रेमिंग प्रोसेसेस हैं वो लीडर्स कैरी आउट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कि भाई हमें ऐसा 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 करना है, ये हमारी मांगे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम चाहते हैं टाइप्स, ठीक है। ऐसे ही मैक एडम और उनके कलीग्स ने भी डिस्क्राइब किया कि फ्रेमिंग का मतलब क्या है। वो बोल रहे हैं कि कॉन्शियसली जो स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स आप लगा रहे हैं ना मिलकर ग्रुप में समझाने के लिए, चीजों को समझने के लिए, और एक वो होता है ना लेजिटिमेट और मोटिवेट कलेक्टिव एक्शन के लिए, कि आप एक जायज और अच्छा एक्शन ले रहे हैं, सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक कॉन्शियस स्ट्रेटेजिक एफर्ट है, मतलब आप कॉन्शियसली ले रहे हैं चीजों को और फ्रेम कर रहे हैं कि भाई ऐसे 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 हमें आगे बढ़ना है और ऐसे ऐसे चीजें करनी है। सो वो चीज क्या है, वो फ्रेमिंग है, ये मैक एडम ने समझाया था, तो इसका होना भी जरूरी है। प्रोटेस्ट साइकिल मतलब कितने टाइम तक चलेगा वो प्रोटेस्ट, तो वो साइकिल की बात हो रही है कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम जो है, जब व्हेन ऑपोजिशन टू पॉलिटिकल सिस्टम, जब भी आप किसी चीज को अपोज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो कितना लंबा चल रहा है, वो टाइम पीरियड भी मैटर करता है। जैसे फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो कितना लंबा चला था, तब जाके लास्ट में जो है वो जो लो काले कानून बोला जा रहा था जिनको, वो वापस लिए गए थे, तो वो सक्सेसफुल हुआ एक तरीके से, ठीक है। सो वो टाइम पीरियड जो है, वो जो प्रोटेस्ट की साइकिल है पूरी कितना लंबा चल रहा है, वो भी फर्क पड़ता है उन चीजों से। कॉन्टेंशियस रेपिटोयर्स की बात करें तो ये फिफ्थ और फाइनल एस्पेक्ट रहेगा हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी का। इसका मतलब है कि जो चीजें आप कर रहे हैं, मान लो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपके तरीके क्या है, सेट ऑफ मींस क्या है, ठीक है। जैसे आप स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या पिटीशन फाइल कर रहे हैं, पिटीशन फाइल करना भी तो सोशल मूवमेंट का ही पार्ट हो गया ना, सो वो तरीका क्या है आपका, वो भी डिपेंड करेगा। तो ये 5 चीजें तो बताई थी जी, जो हमने स्पेसिफिक नाम दिया सोशियोलॉजिस्ट का उन्होंने। अब कुछ जगह पे 3 वाइटल इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी मूवमेंट को फॉर्म होने के लिए, वो इस थ्योरी के अंडर बताए गए हैं।
इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस, इसको आप एक तरीके से रिलेटिव डेप्रिवेशन भी मान सकते हैं कि किसी चीज की कमी फील हो रही है, डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं। मान लो आप जो है गांव में रहते हैं और आपके आसपास स्कूल नहीं है, तो आप एजुकेशन से डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं एजुकेशन मिले। उसी के साथ साथ अगर आपके उस चीज में कि आप चाहते हैं एजुकेशन हो और स्कूल वहां पे ओपन हो जाए, और उसके साथ साथ किसी एनजीओ ने भी आपको सपोर्ट किया और एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपने पूरा का पूरा जो है वो प्रोटेस्ट किया, प्लस एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल गई, मान लो अपोजिशन पार्टी भी आपके साथ खड़ी हो गई, ठीक है। तो वो चीजें क्या है, वो एक मूवमेंट को फॉर्म करने के लिए ये तीन चीजें जरूरी हैं, इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। तो जो पांच पहले बताई थी और तीन ये, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी तो हमने वहां भी बात की है, बट यहाँ पे इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि क्या क्या चीजें वाइटली इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जरूरी है और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का होना भी जरूरी है। ओके, अब हर एक चीज में वही कमियां तो होती हैं, क्रिटिसिज्म यहां भी मिलेगा, चांद में दाग वाली बात। तो क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिकल चीजों पे फोकस कर रहे हैं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर रहे हैं, बट ये साथ ही साथ कल्चरल फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं। बहुत बार रीजन जो होता है वो कल्चरल फैक्टर्स या डिप्राइव्ड फील करना या रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। तो सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी या जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है वो ठीक नहीं है, बाकी फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर एक और चीज की बात करें तो एक एडवांस फॉर्म में, मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी से एडवांस्ड है पॉलिटिकल मीडिएशन मॉडल, जो कि साथ साथ मतलब जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की हमने बात की ना, ये कॉन्सिक्वेंसेस की भी बात करेंगे, ठीक है। विच आउटलाइंस द वे इन विच द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट फेसिंग मूवमेंट एक्टर्स इंटरसेक्ट्स विद द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस दैट मूवमेंट्स मेक। एडिशनल स्ट्रेंथ क्या है इस मॉडल की, वो ये है कि ये ना सिर्फ सक्सेस या फेलियर की बात करते हैं कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं या नहीं, मतलब आउटकम की बात तो करेंगे ही, तो उसके साथ साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस की भी बात करेंगे कि मतलब ये इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल मतलब इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है चीजें, पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। सो ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, कि हमारी बात सुनी भी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, या हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। सो वो जो कॉन्सिक्वेंसेज की एक चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है, उसको भी ये डिस्कस करेगा पॉलिटिकल मीडिएशन मॉडल, ठीक है। सो ये दोनों चीजें नाम भी याद रखिएगा, पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी, उसके बाद एडवांस फॉर्म की बात करेंगे तो पॉलिटिकल मीडिएशन मॉडल आ जाएगा। अगर ये समझ आ गया है सो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया है कुछ भी सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको जरूरत है ऐसे टॉपिक्स की, किसी भी टॉपिक की, तो उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।